नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता। और आज की हमारी रेसिपी है लौकी की एक नई स्टाइल की मिठाई। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता है। हमने एक बड़े आकार की लौकी ले ली है और इसको साफ करके इसको हमको कद्दूकस करना है। कद्दूकस का जो एरिया होता है वो मोटा वाला चूज़ करिएगा और इसको पूरी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हमने एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है और उसके साथ में ये लौकी उसमें डाल दी है और इसको हमको स्लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है और इसका सारा पानी को एब्जॉर्ब करा देना है। थोड़ी देर इसको कवर कर देंगे और फ्लेम को स्लो मीडियम कर देंगे और हर 2-3 मिनट के बाद इसको चलाते हुए भूनना है, तब तक जब तक इसका सारा पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे लौकी का सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो गया है। अब हमने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको फिर से कवर करके कुक करेंगे। हर 2 से 3 मिनट के बाद इसको जो है चलाते रहेंगे और इसको इसी तरीके से कवर करके कुक कर लेंगे, जब तक कि दूध और लौकी एक साथ आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए और लौकी लगभग हाफ डन हो जाएगी इस तरीके से। फ्रेंड्स, आपके यहाँ लौकी के और कौन कौन से व्यंजन बनते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को बनने में करीब 1/2 घंटे का समय लग जाता है दोस्तों, लेकिन स्वाद बहुत ही बेहतरीन आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करिए और अगर इसी प्रोपोर्शन में ट्राई करेंगे तो बहुत ही स्वाद आएगा। और देखिए दोस्तों, 15 मिनट बाद इस तरीके का लौकी का मिक्सचर हो गया है, लेकिन इसको अभी हमको और कुक करना है, अभी इसमें मॉइस्चर कंटेंट बाकी है। आइए देखें, फिर से चेक कर लेते हैं कि अब हमारी लौकी का मिक्सचर किस तरीके का हुआ है। अभी इसको कवर करके हमको थोड़ी देर और पकाना है, जब तक कि सारा दूध लौकी एब्जॉर्ब ना कर जाए और थोड़ी सी ड्राई ना हो जाए। गर्मियों के लिए लौकी की ये बेस्ट मिठाई है, पेट को ठंडक देती है। लौकी के अपने ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन रोज़ लौकी घिया की सब्जी खाना कोई पसंद नहीं करता है। तो एक बार ये मिठाई ट्राई करिए, सबको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए फ्रेंड्स, अब लगभग जो है लौकी और दूध का मिक्सचर सूख चुका है। अब हम इसमें 1/4 कप शक्कर लेंगे। शक्कर की मात्रा आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, इतनी लौकी के लिए ये बिल्कुल पर्याप्त मात्रा है शक्कर की। बहुत फीका भी नहीं बनता है और बहुत मीठा भी नहीं बनता है, बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी है इसकी। जैसे ही हम शक्कर और लौकी के मिश्रण को मिक्स करेंगे, थोड़ी देर बाद शक्कर लौकी के साथ मिलके पानी को छोड़ देगी, फिर उसको हमको कवर करके पकाना है। बीच बीच में मिक्स करते जाइएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, शक्कर ने पानी छोड़ा है, अब इसको हम कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरीके से स्लो मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। देखिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी उड़ रहा है।
और शायद आप देख सकते हैं किनारे से लौकी घी भी रिलीज़ कर रही है। अब इस स्टेज पे हम इसमें खोया ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1 कप खोया लिया है हमने। अगर आपके पास खोया उपलब्ध नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी स्वाद इस मिठाई में बहुत ही अच्छा आता है। लौकी और खोए के मिक्सचर को अच्छे से चला चला के मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को स्लो ही रखिए, अब इसको कवर नहीं करना है और जब तक ये मिक्सचर सूख ना जाए तब तक इसको इसी तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए भूनना है। तो देखिए दोस्तों, मिक्सचर हमारा सूख चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ऑप्शनल है, चाहे तो डालिए चाहे तो स्किप करिए। इसके लिए हमने 2 पिंच येलो कलर लिया है और इसके साथ ही 1 पिंच ग्रीन कलर पानी में घोल के ऐड किया है। ग्रीन और येलो मिक्स करके लौकी का नेचुरल कलर आता है। ग्रीन कलर केवल ऐड करने से बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, जो कि आर्टिफिशियल फेक कलर सा लगने लगता है। देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल नेचुरल लौकी रॉ फॉर्म में जिस कलर में होती है बिल्कुल वही कलर आया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अब इसको 2 मिनट और भून के हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर की मात्रा बहुत थोड़ी रखिए, क्योंकि लौकी का एक अपना टेस्ट और फ्लेवर होता है। अगर ज़्यादा इलायची की पाउडर डालेंगे तो वो लौकी का अपना टेस्ट को दबा देगा, और लौकी का पाउडर ना भी डालें तो भी जो है इसका स्वाद बेहतरीन होता है। इस स्टेज पे अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो इसमें काट के ऐड कर सकते हैं, जिसमें काजू हो गया, बादाम हो गई, किशमिश हो गई, लेकिन हमारे यहाँ किशमिश बच्चे पसंद नहीं करते हैं तो मैं ऊपर से ही बादाम डालूँगी, क्योंकि वो उसमें से बादाम निकाल देते हैं, इस वजह से मैं ऊपर से ही डालूँगी। आप चाहें तो अंदर भी मिक्सचर में ऐड कर सकते हैं। अब हमने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया है। ये मैंने 3 इलायची का पाउडर बनाया है। इतनी लौकी के हलवे के लिए इतना इलायची पाउडर इनफ है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को अब ऑफ कर दीजिए। चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारी लौकी की स्पेशल मिठाई तैयार है। खाने में बहुत ही स्वाद है इसमें, और इसको हमने कटे हुए बादाम से गार्निश किया है। आप मन चाहे ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, और आगे भी आने वाली रेसिपीज़ में हमारा उत्साहवर्धन इसी प्रकार से करते रहिएगा। थैंक यू।